स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? काफी सारे स्टूडेंट्स बचपन से कहते हैं कि सर छुट्टी होनी चाहिए, बहुत मजा आता है। आजकल तो मुझे लग रहा है कि छुट्टियों में इतने बोर हो गए होंगे, सोच रहे हो कि स्कूल कब जाना शुरू करेंगे दोबारा। ऐसी सिचुएशन मोस्टली स्टूडेंट्स की है। तो आइए काम की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन बात है आज की, CBSE ने जितने भी उनके अंडर में स्कूल आते हैं उन सबको बोला है कि जो भी स्टूडेंट्स नाइन्थ में और इलेवेंथ क्लास में, इन दोनों क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए थे या फिर टोटल फुल पूरे फेल हो गए थे, उन स्टूडेंट को एक बार दोबारा मौका दीजिए। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स उम्मीद छोड़ के बैठ गए थे कि यार ये तो भाई रिजल्ट नेगेटिव आया है ना। तो भाई किसी का भी आ सकता है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम नालायक थे, तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आया, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। लेकिन अगर आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो प्लीज टाइम वेस्ट करना छोड़ के एग्जाम की तैयारी दोबारा से, अभी टाइम है ना, ऐसा नहीं कि कल पेपर हो जाएंगे, टाइम मिलेगा आपको तो हो सकता है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कैसे भी एग्जाम होंगे, लेकिन आपको दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है CBSE की तरफ से। प्लीज टाइम वेस्ट ना करके अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। ओनली एंड ओनली कौन सी क्लास स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, नाइन्थ क्लास में चाहे किसी सब्जेक्ट में फेल हो, जिसे बोलते हैं कंपार्टमेंट, या फिर टोटली फेल हो गए हो इलेवेंथ क्लास में, कि सब्जेक्ट में फेल हुए हो या फिर आप टोटली लुढ़क गए हो, ऐसे दोनों ही स्टूडेंट्स को दोबारा से मौका दिया जा रहा है CBSE की तरफ से। ठीक है, तो प्लीज फोकस होकर स्टडी कीजिए, कुछ भी हो जाए इस बार आपको क्रैक करना ही करना एग्जाम है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बेल आइकन जरूर दबाना जिससे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद। Drop top, drop top, smoking, no cook in the hot box. Cricket, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey.